कमरे का दरवाजा खुला तो मेज के पीछे बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से दाखिल होने वाला एक नौजवान था और उसके चेहरे पर ऐसे तसरात मौजूद थे कि मेज के पीछे बैठे हुए आदमी के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। कर्नल आर्नल्ड, इंतहाई अजीब मामलात सामने आए हैं, आने वाले ने पुरजोश लहजे में कहा। कैसे मामलात ब्राउन? उधेड़ उम्र ने, जिसे कर्नल आर्नल्ड कहकर पुकारा गया था, हैरत भरे लहजे में कहा। जजीरा कवाजा पर दुश्मन एजेंटों ने कब्जा कर रखा है और वहां आपके दोस्त और स्पेशल सेक्शन के सब कमांडर कर्नल फास्टर की लाश भी मौजूद है, ब्राउन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? जजीरा कवाजा पर दुश्मन एजेंटों का कब्जा, क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? और कर्नल फास्टर की लाश, क्या तुम नशे में तो नहीं हो? कर्नल ने बेख्तियार उछलकर खड़े होते हुए कहा। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब कुछ, ब्राउन ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा, तो कर्नल तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां दीवार के साथ एक बड़ी और चौड़ी सी मशीन मौजूद थी। इस मशीन के सामने एक नौजवान स्टूल पर बैठा हुआ था। हैरी, कर्नल आर्नल्ड साहब को पहले टेप शुदा मंजर दिखाओ, ब्राउन ने स्टूल पर बैठे हुए नौजवान से कहा, तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए मशीन का एक बटन प्रेस किया। मशीन का बटन प्रेस करते ही मशीन के दरमियान मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई और फिर उस पर एक मंजर ऊपर आया। ये एक बड़ा सा केबन था जिसमें एक मशीन नजर आ रही थी, जबकि एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई लाश साफ दिखाई दे रही थी। ओह ओह, ये तो वाकई कर्नल फास्टर है, लेकिन कर्नल आर्नल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखते जाइए कर्नल, ब्राउन ने कहा और फिर स्क्रीन पर मंजर एक चमाके से बदल गया और इस बार जो मंजर नजर आया उसे देखकर कर्नल आर्नल्ड बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि जजीरे के एक हिस्से पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद था जिसमें से दो बेहोश एक्रेमी औरतों के साथ साथ 10 एक्रेमी मर्दों को नीचे उतारा जा रहा था, जबकि आम लिबास में मौजूद एक एक्रेमियन मर्द और दो औरतें हेलीकॉप्टर के करीब खड़े हुए थे। ये तो एक रेमियन है, लेकिन यहाँ तो फौजियों को होना चाहिए, जबकि यहाँ एक भी फौजी नजर नहीं आ रहा, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। हैरी, अब ये मंजर कर्नल साहब को मेकअप प्रेज मशीन के जरिए ऑपरेशन के बाद दिखाओ, ब्राउन ने मशीन ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा और हैरी ने मशीन के बटन तेजी से प्रेस करने शुरू कर दिए और स्क्रीन पर एक चमाका सा हुआ और फिर वही मंजर दोबारा नजर आने लगा, लेकिन इस बार मंजर में हेलीकॉप्टर के साथ खड़े हुए मर्द और औरतें एक्रेमियन की बजाय एशियाई नजर आ रहे थे, उनमें अलबत्ता एक औरत स्विस नजात थी। ओह ओह, ये एशियाई यहाँ, ये कहाँ से आ गए कवाजा पर, क्या मतलब? और कर्नल फास्टर की मौत, ये सब क्या हो रहा है वहाँ? कर्नल आर्नल्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। कर्नल आर्नल्ड, ये एशियाई पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, आप स्पेशल कमांडर जनरल हिल्टन की काल तो याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस माकू जजीरे के खिलाफ काम कर रही है और रेड जीरो एजेंसी उनके खिलाफ, लेकिन हमें फिर भी हर लिहाज से मुहतात रहना चाहिए, ब्राउन ने कहा। हाँ, लेकिन माकू जजीरे को क्या खतरा हो सकता है, ये तो कवाजा पर हैं और फिर रेड जीरो एजेंसी तो इंतहाई ताकतवर एजेंसी है, उसके मुकाबले पसमानदा मुल्क पाकिस्तान के लोग क्या कर सकते हैं, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। मैं यहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात होने से पहले एक्रेमिया की एक सीक्रेट एजेंसी में काम कर चुका हूँ कर्नल, इसलिए मैं इन पाकिस्तानी को भी पहचानता हूँ और रेड जीरो एजेंसी के लोगों को भी। इनमें से जो आदमी हेलीकॉप्टर के दाएं तरफ खड़ा नजर आ रहा है ये दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट अली इमरान है और बाकी यकीनन उसके साथी होंगे, और हेलीकॉप्टर से जिन दो औरतों को बेहोशी के आलम में नीचे उतारा गया है उनमें से एक मादाम हाफ और दूसरी मादाम अंजला, और ये दोनों रेड जीरो एजेंसी की टॉप एजेंट्स बताई जाती हैं,
और यकीनन बाकी लोग इनके ग्रुप के होंगे और कर्नल फास्टर आपका दोस्त है और यकीनन उसे यहाँ के हालात के बारे में भी इल्म होगा। आपने देखा कि वो कुर्सी पर बनता हुआ मौजूद है, इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथियों ने उससे जजीरे के बारे में तफसीलात हासिल कर ली होंगी, इसलिए उसे हलाक कर दिया गया और रेड जीरो एजेंसी उनके खिलाफ काम कर रही होगी, उन्हें भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और अब जाहिर है उनका टारगेट बहरहाल माकू जजीरा ही होगा, ब्राउन ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है ब्राउन, लेकिन इस सब के बावजूद माकू जजीरे को क्या खतरा पेश आ सकता है? ये लोग किसी सूरत भी यहाँ नहीं पहुंच सकते और ना ही यहाँ ये कोई हरकत कर सकते हैं। तुम खुद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तुम इस बात को मुझसे भी बेहतर अंदाज में समझ सकते हो, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। कर्नल साहब, ये इमरान शैतानी जहन रखता है, ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है और मेरा तजर्बा है कि जहाँ हिफाजती इंतजाम जितने भी सख्त हों, वहाँ बहरहाल कोई ना कोई खिला ऐसा मौजूद होता है जिससे उन सारे हिफाजती इंतजाम को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए इनका जिंदा रहना ना सिर्फ माकू जजीरे के लिए बल्कि पूरे क्रीमिया के लिए इंतहाई खतरनाक है, ब्राउन ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम यहाँ खामोश होकर ना बैठें बल्कि कवाजा जजीरे पर इन लोगों का खात्मा कर दें? लेकिन कैसे? अगर हम यहाँ से वहाँ आदमी भेजेंगे तो लामहाला यहाँ के हिफाजती इंतजाम ख़त्म करने पड़ेंगे और ये काम मुमकिन ही नहीं है, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। हिफाजती इंतजाम ख़त्म किए बगैर भी यहाँ से मुस्लिम अफराद वहाँ जा सकते हैं, कर्नल आर्नल्ड, ब्राउन ने मुस्कराते हुए कहा। तो कर्नल आर्नल्ड बेख्तियार उछल पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। वो किस तरह, ये कैसे मुमकिन है? कर्नल आर्नल्ड ने कहा। मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ब्राउन ने कहा। और फिर वो उस कमरे से निकलकर दोबारा उस ऑफिस में गए जहाँ पहले कर्नल आर्नल्ड मौजूद था। कर्नल आर्नल्ड, इस इमरान और इसके साथियों का खात्मा मेरे लिए खुशबख्ती का दरवाजा खोल देगा और मुझे यकीनन एक्रेमिया की किसी ताकतवर सीक्रेट एजेंसी का चीफ बना दिया जाएगा और मेरा वादा कि मैं इस एजेंसी में आपको भी आला तरीन अहदा दूंगा। इस तरह दुनिया की आसाइशों से दूर इस जजीरे में पड़े रहने से भी हमें निजात मिल जाएगी और हमारी बाकी ज़िंदगी इंतहाई ऐशो आराम में गुजरेगी, ब्राउन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? ये बात सुन लो कि चाहे कियामत भी क्यों ना आ जाए, मैं हिफाजती इंतजाम ख़त्म नहीं कर सकता, कर्नल आर्नल्ड ने दो टोक लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है, हिफाजती इंतजाम तो ख़त्म नहीं किए जा सकते, लेकिन हम टनल को तो कवाजे जजीरे से लिंक कर सकते हैं और यूं टनल के हिफाजती इंतजाम ख़त्म करके टनल के ज़रिए वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है और उनका खात्मा किया जा सकता है, ब्राउन ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो। फ़र्ज़ किया कि वो तुम पर काबू पा लेते हैं तो फिर वो टनल के ज़रिए आसानी से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। नहीं ब्राउन, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता, कर्नल आर्नल्ड ने साफ जवाब देते हुए कहा। चलें ऐसा कर लेते हैं कि जब हम टनल के ज़रिए कवाजा पहुँच जाएँ तो आप टनल को वापस खींच लें, फिर जब हम उन पर काबू पा लें तो आपको ट्रांसमीटर पर इत्तला दे देंगे और आप टनल को दोबारा वहां लिंक कर सकते हैं, ब्राउन ने कहा। देखो ब्राउन, एक काम हो सकता है कि तुम टनल के ज़रिए वहां पहुंचकर उनका खात्मा कर दो और फिर वहीं रहो और मैं ट्रांसमीटर पर जनरल हिल्टन को कॉल करके सारी सूरत हाल बता दूं। मैं दोबारा टनल को वहां लिंक करने का रिस्क नहीं ले सकता, इस तरह वो लोग भी यहाँ पहुँच जाने में कामयाब हो सकते हैं, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। चलें ऐसे ही सही, बहरहाल मैं इन लोगों के खात्मे का क्रेडिट लेना चाहता हूं। कर्नल आर्नल्ड, आपको मालूम नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि इन लोगों का खात्मा क्या अहमियत रखता है, ब्राउन ने कहा। ओके, तुम तैयार हो जाओ, इस वक्त तक ऑपरेशन रूम में रहूंगा जब तक टनल वापस नहीं आ जाती, कर्नल आर्नल्ड ने कहा। तो ब्राउन उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के तसरात नुमाया थे।
इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।